राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, ये है आज का हमारा टॉपिक। और एनवायरनमेंट का टॉपिक जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या और कोई भी एग्ज़ाम। एनवायरनमेंट से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है वो सेंट्रल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंडर बनाया गया था। अप्रैल 2018 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके चेयरमैन फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं जो कि अभी सुखराम बिश्नोई जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो अभी राजीव स्वरूप जी हैं। नोडल डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो गया। टोटल मेंबर्स इसमें 20 होते हैं। और ये जो फोटो आप देख सकते हैं ये श्री सुखराम बिश्नोई जी जो अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं अभी उनकी है। ये अथॉरिटी 3 मीटिंग करती है एक साल में। और आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान में दो वेटलैंड कंजर्वेशन साइट्स हैं, उनमें से पहली है केवला देव नेशनल पार्क। ये एक रामसर साइट भी है। और केवला देव नेशनल पार्क जैसे आपको सबको पता है ये भरतपुर में है और ये फेमस है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। और केवला देव नेशनल पार्क को 1981 में वेटलैंड कंजर्वेशन साइट बनाया गया था। आगे की स्लाइड में आप देख रहे हैं केवला देव नेशनल पार्क की कुछ फ़ोटोज़ हैं, देख सकते हैं कितनी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। ज़्यादातर फ़ोटोज़ साइबेरियन क्रेन्स की ही मिलेंगी आपको। साइबेरियन क्रेन्स हैं, यहाँ पे आके प्रजनन करते हैं और वापस चले जाते हैं। दूसरी जो वेटलैंड कंजर्वेशन साइट जो राजस्थान में है वो है सांभर लेक। सांभर लेक जैसे कि आप सबको पता है जयपुर में है। राजस्थान में जो भी नमक बनता है वो मैक्सिमम सांभर लेक से बनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप फोटो सांभर लेक की है। ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। अगर हम अपन इंडिया के मैप पे बात करें तो यहाँ पे पड़ता है अपना सांभर लेक और ये है अपना केवला देव नेशनल पार्क। सांभर लेक जो भी जयपुर में है और केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें।